बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ग्रीन चेन माइनिंग ऐप से अपने ग्रीन चेन टोकन को मेटामास्क के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किस तरीके से आप जो है ग्रीन चेन टोकन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इनका विड्रॉ ले सकते हैं मेटामास्क के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन चेन माइनिंग ऐप जो है एक फ्री की माइनिंग ऐप है। यहाँ पर आपको डेली जो है 10,000 ग्रीन टोकन जो है आपका माइनिंग रिवॉर्ड दिया जाता है और यहाँ पे आपको साइन अप बोनस जो है वो 2,000 ग्रीन टोकन दिए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रीन चेन माइनिंग ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो इसका ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप जो है ग्रीन चेन नेटवर्क को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रीन चेन नेटवर्क जो है कम्प्लीटली फ्री माइनिंग ऐप है और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ग्रीन चेन माइनिंग के अकाउंट में मेरे ग्रीन चेन टोकन है, जिनको आज मैं अपने मेटामास्क की वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने लगा हूं। तो यहां पे मैं आपको मेटामास्क का अकाउंट दिखा देता हूं कि यहां पे मेटामास्क में आपने किस तरीके से ट्रांसफर करना है। ग्रीन चेन टोकन को मेटामास्क में ट्रांसफर करने के लिए आपने मेटामास्क में जो है ग्रीन चेन नेटवर्क को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रीन चेन नेटवर्क को इंपोर्ट करने की डिटेल मिल जाएगी। आपने इन डिटेल को कॉपी कर लेना है और इनको आपने अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट करना है, ताकि हम इजीली अपने ग्रीन चेन नेटवर्क की ऐप से जितने भी टोकन हैं उनको हम मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेटवर्क नेम जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेटवर्क नेम को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ऊपर यहाँ पर आपको नेटवर्क वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आके ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कस्टम नेटवर्क पे आ जाना है। जैसे आप कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो जो आप नेटवर्क नेम कॉपी करेंगे वो नेटवर्क नेम आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड जो है RPC URL, आपने ये RPC URL जो है सेम टू सेम आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस RPC URL को भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे चेन ID और सिंबल है, इन दो चीज़ों को भी हमने कॉपी करके वहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो चेन ID है यहाँ पे 97531, तो चेन ID जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेन ID वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपने सेम टू सेम जो है ग्रीन चेन नेटवर्क को मेटामास्क में इंपोर्ट करना है, उसी के बाद ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। उसके बाद लास्ट जो है ग्रीन चेन का सिंबल है, सिंबल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंबल वाले सेक्शन के अंदर आके सिंबल जो है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंबल को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो ब्लॉक एक्सप्लोरर URL है वो यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रीन चेन नेटवर्क जो है मेटामास्क के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद हम स्विच नेटवर्क जो है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे स्विच नेटवर्क करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रीन चेन का नेटवर्क होगा वो मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। मेटामास्क में इंपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, हम अपने ग्रीन चेन नेटवर्क की माइनिंग ऐप से जो टोकन होंगे वो हम अपने मेटामास्क के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आप ये प्रोसेस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के अंदर काफ़ी इशू होता है, टोकन समटाइम रिसीव नहीं होते। मेटामास्क ज़्यादा बेस्ट है, आपने मेटामास्क को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे इनका जो रिसीव एड्रेस होगा ग्रीन टोकन का रिसीव एड्रेस यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अगेन जो है ग्रीन चेन की माइनिंग ऐप को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आपने होम सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र का। सिंपली आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप ट्रांसफ़र वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप ग्रीन चेन की माइनिंग ऐप से टोकन जो है अपने वॉलेट के अंदर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो भी आप अपना रिसीव एड्रेस कॉपी करेंगे वो रिसीव एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर करनी है कि आप यहाँ पे कितने ग्रीन चेन टोकन जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं 1,000 ग्रीन चेन टोकन जो है वो ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक बार कन्फर्मेशन ली जाएगी। कन्फर्म करने के बाद हमने यहाँ पे सेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो ग्रीन चेन के टोकन हैं
वो आपके ग्रीन चेन की ऐप से मेटामास के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अभी हम अपने मेटामास की ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ वहाँ पर हम जो है ये कन्फर्म कर लेते हैं कि जो हमने अभी 1000 ग्रीन चेन टोकन ट्रांसफ़र किए हैं क्या वो हमें मेटामास में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने 1000 ग्रीन चेन टोकन ट्रांसफ़र किए हैं वो हमारे मेटामास के अंदर आ चुके हैं। सेम हम इस एड्रेस को अगेन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी टोकन आप ट्रांसफ़र करना चाहें सिंपली आपने सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने रिसिप्टन एड्रेस या रिसीव एड्रेस आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे अब की बार मैं 50% टोकन ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 50% सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अगेन सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टोकन होंगे 50% 60% या 100% आप जो है अपने टोकन यहाँ पे मेटामास के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन मेटामास में जाके कन्फर्म कर लेता हूँ कि ग्रीन चेन के टोकन हमें यहाँ पे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन चेन के टोकन जो हमने अभी ट्रांसफ़र किए हैं तो हम हमारे मेटामास के अंदर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से आप भी अपने मेटामास के अंदर ग्रीन चेन नेटवर्क को इम्पोर्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी टोकन होंगे वो आप इजीली मेटामास अपनी ग्रीन चेन की ऐप से मेटामास के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है आपकी कोई भी विड्रॉ फीस नहीं लगती। इनका जो है मैनेट लॉन्च होना है जो कि अगस्त के अंदर लॉन्च होगा और अगस्त के अंदर इनका P2P मार्केट प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे आप ग्रीन चेन टोकन को जो है वो सेल कर सकेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए आपके पास जितने भी टोकन हैं वो आप अपने मेटामास्क के अंदर सिक्योर कर लें, ठीक है। जब इनका मैनेट लॉन्च होगा तो फिर हम अगेन इनको ऐप के अंदर ट्रांसफ़र करके वहाँ पे हम इनको ईजिली यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर सेल कर सकेंगे। ग्रीन चेन नेटवर्क जो है एक फ्री की माइनिंग ऐप है, आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने अपने ग्रीन चेन नेटवर्क के टोकन को मेटामास में ट्रांसफ़र करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।